आप सब लोग जानते ही हैं कि हिंदुओं की मान्यता है श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, और हिंदुओं की ही नहीं विदेश में रहने वाले बहुत से लोग जो इंडियन माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं और उन सभी का भी यही मानना था। इसीलिए हमने कुछ इस तरीके के नज़ारे देखे, जैसे टाइम स्क्वायर पर राम मंदिर का लाइव प्रसारण हुआ, व्हाइट हाउस के सामने भी हमें धूम देखने को मिल ही गई राम मंदिर की, और पूरे देश ने ही दिवाली लपक कर मनाई अगस्त के महीने में ही। और जब मंदिर को बनाने की शुरुआत हो ही गई है तो ये कब तक बनकर खड़ा हो जाएगा, या फिर इस मंदिर का पुराना इतिहास क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के एंड तक बात कर ही लेंगे। लेकिन आपको उससे पहले काम करना है, आपको ये जो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा है इसको सब्सक्राइब करना है, मतलब इसे दबाना है, और ये जो आपको बेल आइकन दिख रहा है इसे दबाकर ऑल पर करना है। तो चलिए अब फटाफट से जय श्री राम बोलकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वानर सेना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के फैसले को सुनाया, और ये जो फैसला था ये राम मंदिर के पक्ष में था, मतलब हिंदुओं के पक्ष में था। लेकिन ये तो आपको पता है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि हिंदुओं का मानना है 1528 के टाइम पर जो मुगल बादशाह बाबर था उसका सिपे सलाहकार मीरा बकी, उसने जो पुराना राम मंदिर था उसे तोड़कर इसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन जब से ही हिंदू समुदाय के लोगों ने यह दावा किया है कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है, और हिंदू समुदाय का मानना था कि यहाँ पर हमेशा से एक राम मंदिर था जो बहुत टाइम से था, प्राचीन था, और हिंदू पक्ष के मुताबिक जो बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थे उसमें से जो सबसे मेन गुम्बद था, जो बड़ा वाला गुम्बद था, उसी के नीचे राम भगवान का जन्म हुआ था। तो गाइज अब हम यहाँ पर एक टाइमलाइन लेकर चलेंगे, समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो 1853 से लेकर 1949 तक तो इस जगह पर राम मंदिर के लिए 1853 में सबसे पहली बार दंगे हुए थे, और आपको पता ही है कि उस टाइम पर यहाँ पर किन लोगों का राज था, 15 अगस्त आने वाला है। तो 1859 के टाइम पर अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है, तो वहाँ के जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने इस विवादित जमीन के आसपास बाड़ लगवा दी थी, और इसी के चलते अंग्रेजों ने देखा मामला और ज्यादा बिगड़ गया है, तो मुसलमानों को ढांचे के अंदर इबादत करने की और हिंदुओं को बाहर चबूतरे के ऊपर पूजा करने की इजाजत दी गई, और ये सब चीजें इसी तरीके से चलती रही। लेकिन फिर एक दिन आया 23 सितंबर 1949 का, और इस दिन को आप इस मामले का टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद थी उसके अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गई, और फिर हिंदुओं ने इस बात को मान लिया कि यहां पर भगवान राम प्रकट हुए हैं, और मुसलमान पक्ष ने दावा किया कि यहां पर रात में घुसकर किसी हिंदू ने मूर्तियों को रखा है, और फिर यूपी सरकार ने वहां से मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया। लेकिन जो उस जिले के मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था के नायर, उन्होंने दंगे भड़कने और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसलिए उन्होंने इस आदेश को पूरा ना करने में असमर्थता जताई, और इसीलिए सरकार ने इसे विवादित ढांचा घोषित करते हुए ताला लगा दिया, ना कोई पूजा होगी ना कोई नमाज होगी। और फिर साल आता है 1950, फैजदाबाद की सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, और पहली अर्जी में था कि रामलला की पूजा की इजाजत दी जाए, और दूसरी जो थी वो विवादित ढांचे के अंदर राम की मूर्ति को रखा जाए। और फिर 1959 के टाइम पर निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की, और इसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड वालों ने भी एक अर्जी दाखिल की, और उसमें लिखा था कि विवादित ढांचे के अंदर जो मूर्ति रखी गई है उसे हटाया जाए, और फिर 1984 में विवादित ढांचे को गिराकर उसके ऊपर मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। और फिर कहीं इतनी ज्यादा माथापच्ची करने के बाद 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजदाबाद के जिला जज जो कि एम पांडे थे, उन्होंने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी, और उस दिन 1 फरवरी 1986 को ताला हटा लिया गया और दरवाजे खोल दिए गए। और फिर फाइनली गाइस वो दिन आता है 6 दिसंबर 1992, और कुछ लोग इसे ही राम मंदिर की शुरुआत कहते हैं, लेकिन शुरुआत तो 1528 में ही हो गई थी। तो गाइस 6 दिसंबर 1992 में वीएचपी के साथ ही शिवसेना के कई हिंदू संगठन जिनमें हजारों लाखों लोग थे वो सभी मिलकर पहुंचे इस विवादित ढांचे के ऊपर और इसे गिरा दिया, और इसके चलते पूरे देश में सांप्रदायिकता और दंगे भड़क उठे, और इसी के चलते करीबन 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई,
और सन 2002 के टाइम पर हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें करीबन 58 लोगों की जान चली गई और इसी के चलते गुजरात में दंगे हुए जिसमें करीबन 2000 लोगों की मौत हो गई। और फिर आता है 2010 का टाइम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े को 3 बराबर हिस्से बांटने का आदेश दिया। और फिर 2011 के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के ऊपर इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले के ऊपर रोक लगा दी। और 2017 के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का आग्रह किया। और फिर 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और उस पैनल के सामने एक शर्त रखी गई कि 8 सप्ताह के अंदर इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करना है आपको। फिर 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट को बनाकर प्रस्तुत किया कोर्ट के सामने। और 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मध्यस्थता का ये पैनल बनाया गया था ये पूरी तरीके से असमर्थ रहा है इस समाधान को निकालने में कि आखिर उस विवादित ढांचे के ऊपर क्या बनना चाहिए। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्णय लिया। और इसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा। और फिर दिन आता है 9 नवंबर 2019, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच बुलाई जिसने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और करीबन 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मुस्लिम पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से बाहर कहीं 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया। और शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला जो टेंट में बैठा करते थे उन्हें वहां से निकाल कर फाइबर के बने हुए मंदिर में शिफ्ट किया गया था 25 मार्च 2020 को। और फिर आपको पता ही है 5 अगस्त 2020 को सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने राम भगवान के लिए मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी। और कोरोना के कारण आपको पता ही है कि करीबन 200 लोगों ने ही इस पूरे समारोह में शिरकत की थी। और गाइस, इस राम मंदिर को बनने में करीबन 492 साल लगे हैं इस 5 अगस्त के दिन को आने में। और गाइज, आपके सभी पास्ट के सवालों का जवाब आपको मिल चुका है, अब हम कुछ फ्यूचर के सवालों की बात कर लेते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने राम मंदिर का पुराना मॉडल देखा है तो आपको पता होगा कि राम मंदिर में पहले 3 गुंबद होने वाले थे, लेकिन अब एक नया मॉडल बनाया गया है जिसके मुताबिक राम मंदिर में 3 तल होने वाले हैं और 5 गुंबद होंगे। पहले तल में राम लला विराजमान होंगे, दूसरे तल पर राम दरबार होगा और तीसरा जो तल होगा उसके ऊपर किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। और जिन्होंने इस राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है बनाकर, उनका नाम है बीसी सोमपुरा। और आपका जो सवाल है वो इनसे भी पूछा गया था कि राम मंदिर कितने टाइम में बनकर तैयार हो जाएगा, तो उन्होंने कहा है कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल। अगर मंदिर के डिजाइन की बात करें तो गाइस, इसमें करीबन 360 पिलर लगाए जाएंगे और ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट ऊंचा होगा और सीढ़ियों की ऊंचाई करीबन 16 फीट होगी और मंदिर परिसर करीबन 27 एकड़ में फैला हुआ होगा। और मंदिर की अगर बात करें तो करीबन 10 एकड़ में मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर की नींव में करीबन 200,000 ईंटें लगाई जाएंगी जिनके अंदर लिखा है श्री राम। और मंदिर की लंबाई की बात करें तो 360 फीट लंबा और करीबन 235 फीट चौड़ा। और इसके भूतल पर जहां पर राम लला विराजमान होंगे वहां पर 6,000 से 8,000 लोग एक बार में दर्शन कर पाएंगे। और दूसरी मंजिल जहां पर राम दरबार होगा वहां पर करीबन 4,000 से 5,000 लोग बैठ पाएंगे। तो फाइनली गाइस, वीडियो में अगर कहीं पर कुछ गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करने के बाद भूल मत जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ शिकायत हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।